गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 वर्कशीट 4। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। यूज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फिल इन द फ्लोइंग ब्लैंक्स। हमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी का यूज करना है और गिवन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ए पार्ट, 0 मल्टीप्लाई 489। जब हम जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास जीरो रहेगा, सो राइट जीरो हेयर। बी पार्ट, 1 मल्टीप्लाई 741। जब हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ आंसर होगा, सो राइट 741। सी पार्ट, 27 मल्टीप्लाई 635 इज इक्वल टू 635 मल्टीप्लाई ब्लैंक्स। जब हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तब भी उनका रिजल्ट सेम रहेगा, सो यहाँ पर 27 पहले दिया गया है, 635 बाद में मल्टीप्लीकेशन के अंदर, एंड राइट हैंड साइड में 635 पहले दिया गया है तो पहले वाला नंबर हम बाद में राइट करेंगे, दैट इज 27। डी पार्ट, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में अगर हम ग्रुपिंग चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, अगर 3 नंबर दिए जाएं तब भी रिजल्ट हमारा सेम रहेगा, सो डी पार्ट में फर्स्ट ग्रुप बनाया गया है 242 मल्टीप्लाई 197 का और थर्ड नंबर को मल्टीप्लीकेशन में अलग रखा गया है, एंड राइट हैंड साइड में हमने फर्स्ट नंबर को अलग कर दिया है तो हम ग्रुप बनाएंगे सेकंड और थर्ड नंबर का, सो ब्लैंक्स में हम थर्ड नंबर 581 को राइट करेंगे। पार्ट ई, 479 मल्टीप्लाई ब्लैंक्स इज इक्वल टू 479। जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारे पास रिजल्ट सेम नंबर रहेगा, सो राइट 1 हेयर। एफ पार्ट, ब्लैंक्स मल्टीप्लाई 831 इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आंसर हमारे पास 0 आएगा, सो राइट 0 इन द ब्लैंक्स। जी पार्ट, 162 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1025 इज इक्वल टू, अगर 3 नंबर की प्रोडक्ट हैं और उसमें एक नंबर 0 दिया गया है तो उनकी प्रोडक्ट हमेशा 0 होगी, सो वी राइट 0 हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर इज रुपीज 50.50, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 सच बर्गर। हमें कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर गिवन है रुपीज 50.50 और 25 बर्गर के लिए हमें कॉस्ट निकालनी है, सो वी राइट देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 25 बर्गर इज इक्वल टू रुपीज 50.50 मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, क्योंकि 1 बर्गर की कॉस्ट गिवन है, ज्यादा के लिए निकालनी है तो ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, सो 50.50 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर रहेगा 25,250, देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लेस को छोड़ के राइट करेंगे 10,100, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 1,26,250, बट डेसिमल नंबर गिवन है, एक नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, सो आंसर में भी हम पीछे से 2 डिजिट छोड़ेंगे और डेसिमल प्लेस करेंगे, हमारे पास आंसर बन जाएगा रुपीज 1,262.50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 27 बुक सेल्व्स, इफ देयर आर 479 बुक्स ऑन ईच सेल्फ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी में 27 बुक सेल्फ्स गिवन है, अगर एक बुक सेल्फ में 479 बुक्स रखी हो तो हमें बताना है लाइब्रेरी में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, सो वी राइट नंबर ऑफ बुक्स ऑन वन सेल्फ इज इक्वल टू 479, देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स ऑन 27 सेल्फ्स इज इक्वल टू 479 मल्टीप्लाई 27, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर बनेगा 3,353, देन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लेस को छोड़ के राइट करेंगे 958, दोनों को ऐड करेंगे आंसर बनेगा 12,933, सो वी राइट द आंसर 12,933। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ
A store has 432 dresses for girls. If the cost of each dress is rupees 583.50, find the cost of all dresses. हमें टोटल नंबर ऑफ ड्रेस गिवन है 432। अगर एक ड्रेस की कॉस्ट रुपीज 583.50 हो तो हमें सभी ड्रेसेस की कॉस्ट फाइंड करनी है। सो वी राइट कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस इज इक्वल टू रुपीज 583.50। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 432 ड्रेसेस बनेगी हमारे पास जब हम कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस को 432 दैट इज टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस से मल्टीप्लाई करेंगे। 583.50 राइट करेंगे, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 432। सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट करेंगे 116,700। सेकंड स्टेप पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लेस को छोड़ेंगे, राइट करेंगे 175,050। एंड थर्ड स्टेप पर 1 और 10 प्लेस को छोड़ेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करने पर राइट करेंगे 233,400। सभी को ऐड करेंगे, उसके बाद जो आंसर हमारे पास आएगा उसको हम प्रोडक्ट के नेक्स्ट स्टेप पर राइट करेंगे विद यूनिट दैट इज रुपीस। अब हमें स्टेटमेंट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट गिवन थे तो हम आंसर जो हमारा प्रोडक्ट में निकाला है हमने उसमें से हम लास्ट में से 2 डिजिट को छोड़ेंगे और डेसिमल को प्लेस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद सभी जीरोज गिवन हैं तो हम जीरोज को राइट नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती। सो वी राइट द आंसर रुपीज 252,072। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।